तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीआरपीसी, ये अध्याय 5 है और धारा हम लोग 42 पढ़ने जा रहे हैं। धारा 42 में क्या है, नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी हो जाती है। जब कोई व्यक्ति जिसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध किया है या जिस पर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग लगाया जा गया है, उस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इनकार करता है या ऐसा नाम या निवास बताता है जिसके बारे में उस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि यह मिथ्या है, तब वो ऐसे अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है कि उसका नाम और निवास अभी निश्चित किया जा सके। अगर आप अपना नाम पता सब गलत बताते हैं और आप असंज्ञेय अपराध है, ठीक है, तब आपको नाम पता सब पुलिस वालों को सही बताना है, नहीं तो आपको गिरफ्तारी हो सकती है। उसके बाद दूसरा क्या है, जब ऐसा व्यक्ति सही नाम और निवास अभी निश्चित कर ले जाता है तब वह प्रतिभूतियों सहित या रहित या बंधपत्र निष्पादित करने पर छोड़ दिया जाएगा। यदि उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा की गई है तो उसके समक्ष हाजिर होगा, परंतु यदि ऐसा व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है तो यह बंधपत्र भारत के निवासी प्रतिभूति या प्रतिभूताओं द्वारा प्रतिभूत किया जाएगा। तीसरा क्या है कि यदि गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के अंदर ऐसा व्यक्ति का सही नाम या निवास अभी निश्चित नहीं किया जा सकता है या वह बंधपत्र निष्पादित करने से या अपेक्षित किया जाने का पर्याप्त प्रतिभूति देने में असफल होता है तो अधिकारिता रखने वाले निकटतम मजिस्ट्रेट के पास तत्कालीन भेज दिया जाएगा। नाम पता सब बताना है, जो पुलिस पूछे सही सही बताना है, गलत बताएंगे तो गिरफ्तारी हो सकती है आपकी। अब हमें धारा 42 गिरफ्तारी कर सकते हैं, नाम पता सही बताइए, सब कुछ सही बताइए, कागजात हुआ सब कुछ सही। और 43 धारा क्या कहते हैं, यदि गिरफ्तार व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी की प्रक्रिया है कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी उपस्थिति में जमानती तथा संज्ञेय अपराध करता है या किसी उद्घोषित अपराध को गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करवा सकता है और ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक विलंब के बिना पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा या हवाले करवा देगा या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति का अभिरक्षा में निकटतम पुलिस थाने ले जाएगा या भिजवाएगा। अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति है और कोई अजमानती अपराध या संज्ञेय अपराध है, भैया आतंकवादी बलात्कार बम फोड़ना ये सब असंज्ञेय अपराध होता है, मारपीट करना गोली मारना, तो क्या है वह गिरफ्तार करा सकता है। यदि यह विश्वास करने का कारण है कि व्यक्ति धारा 41 के प्रबंधों के अंतर्गत आता है तो पुलिस अधिकारी उसे फिर से गिरफ्तार करेगी। यदि यह विश्वास करने का कारण है कि उसने असंज्ञेय अपराध किया है, वह पुलिस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इनकार करता है या ऐसा निवास बताता है जिसके बारे में अधिकारी कोई विश्वास करने का कारण है कि मिथ्या है गलत है, तो उसके विषय में 42 के प्रबंधों के अधीन कार्रवाई की जा सकती है। किंतु यदि वो विश्वास करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है तो उसे कोई अपराध किया है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। अगर ये पर्याप्त नहीं है कारण तो उसे कोई अपराध किया है तो वह तुरंत छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप सही सही बता देते हैं और अगर आपने कोई अपराध किया भी है असंज्ञेय अपराध जिसका जमानती है उसको संज्ञेय अपराध में नहीं होता है ऐसा। हमारी धारा 44 क्या कहती है, मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी जब कार्यपालिका या न्याय मजिस्ट्रेट की उपस्थिति स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत कोई अपराध किया जाता है तो वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है और तब जमानत के बारे में अंतर्विस्त उपबंधों के अधीन हटते हुए अपराधी को अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है। मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी कैसे होती है, जब कार्यपालिका न्याय मजिस्ट्रेट उपस्थित स्थानीय अधिकारियों को अंदर कोई अपराध किया जाता है तो अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है तब जमानत के बारे में अंतर्विस्त उपबंधों के अधीन अभिरक्षा के लिए जैसे जब न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा तो भैया जमानत देगा ही, गिरफ्तार कर सकता है किसी और से या तो स्वयं पुलिस भेज के गिरफ्तार कर सकता है। दूसरा क्या है, कोई कार्यपालिका या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी समय अपने स्थानीय अधिकारिता के भीतर ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय उन परिस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए सक्षम हो। जब ऐसा व्यक्ति का सही नाम और निवास निश्चित कर लिया जाता है कि वह प्रतिभूतियों सहित या रहित या प्रतिबंध निष्पादित करने पर छोड़ दिया जाएगा कि यदि उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर करने की अपेक्षा की गई तो वह उसके समक्ष हाजिर होगा। आपको जब छोड़ा जाएगा भैया, जब आपको कन्फर्म हो जाएगा कि आप शरीफ हैं, जब आपको बुलाया जाएगा आप पुलिस थाने में आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको बुलाया जाए, हाजिर होने के लिए बुलाया जाए, आप दुबई निकल जाए या कहीं और शहर भी निकल जाए। तो इसी तरह ये होता है कि आपको तभी छोड़ा जाएगा जब आप पे पूरा विश्वास हो जाएगा। परंतु यदि व्यक्ति भारत में निवास नहीं है तो बंधपत्र भारत के निवासी प्रतिभूति और प्रतिभूतियों द्वारा प्रतिभूत किया जाएगा, ठीक है। अगर आप भारत के निवासी नहीं हैं तब आपको बंधपत्र प्रतिभूति या जैसे आपको जब बुलाया जाए तब आपको आना पड़ेगा, ये आपको लिख के देना पड़ेगा। तीसरा क्या, यदि गिरफ्तारी के समय 24 घंटे के अंदर ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अभी निश्चित नहीं किया जा सकता है कि वह बंधपत्र निष्पादित करने या
अपेक्षित किए जाने की पर्याप्त प्रतिभूति देने में असफल है तो प्रतिभूति माने अपना कागज पत्र तो अधिकारिता रखने वाले निकटतम मजिस्ट्रेट के पास तत्काल भेज दिया जाएगा। हमारा अगला क्या है कि धारा 45 क्या कहती है, सशस्त्र बलों के सदस्यों की गिरफ्तारी से संरक्षण। सशस्त्र बल आर्मी, SSB, CRPC तो इस तरीके से होते हैं, CRPF, ITBP, तो धारा 41 के धारा 44 के अंतर्गत अधाराओं में किसी बात के होते हुए भी संघ के सशस्त्र बलों को कोडर भी सदस्य अपने पद्धति कर्तव्य का निर्वहन करने में अपने द्वारा की गई जाने वाले तत्पाई किसी बात के तक के लिए तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक केंद्रीय सरकार की सहमति ले ली जाए। अगर आप किसी फौजी को करना चाहते हैं, केंद्र सरकार का फौज काम करता है, अगर आप उसको क्या गिरफ्तार करना चाहते हैं तो जब तक वो अपने पद पर कर्तव्य है, जैसे मानो आप ड्यूटी पे है, तब तक आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, और गिरफ्तार करेंगे भी तो केंद्र सरकार की सहमति के बिना नहीं कर सकते, ठीक है, उसकी सहमति लेनी पड़ेगी। हेडक्वार्टर से हम इसको गिरफ्तार करें, नहीं पुलिस जाए में उठाए और किसी भी सशस्त्र बल को गिरफ्तार करके लाए, नहीं पहले उसके अधिकारी को बताना पड़ेगा, अधिकारी अनुमति देगा, अपने ऊपर से पूछ के पूरा अपने क्लियर कर लेगा, तब जाके वो कहेगा ठीक है इसको गिरफ्तार कर लो, तब करेगा। ऐसा नहीं कि आप सीधे पुलिस वाले मिलिट्री से नहीं उछलते हैं, ना ही उनके ऑफिस में घुसते हैं। अब हमारा अगला है कि राज्य सरकार के अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकते हैं कि उसे यथावित निश्चित बल से ऐसे वर्ग या प्रगण के सदस्यों को जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार सौंपा गया है, जहाँ कहीं सेवा कर रहे हैं, अगर कोई ड्यूटी कर रहा है, उपधारा 1 के उपबंध लागू होने तक उस उपधारा के उपबंध इस प्रकार लागू, मानो वो गया है ड्यूटी करने, उसको केंद्र सरकार लगाई है कहीं, जब तक वो वहाँ से आ नहीं जाता है, मान लीजिए घर पे कोई कांड करके चला गया या उसके खिलाफ किसी ने वारंट लिखा गया, जब तक वो छुट्टी लेके आएगा नहीं तब तक आप जाके उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। और वहाँ जाएंगे तो जानते हैं झंडा उंडा सब मार के भगा देंगे, आर्मी वालों से पंखा पुलिस वाले लेते नहीं है, ना ही मजिस्ट्रेट लेते हैं, जब तक वो आ नहीं जाएगा तब तक उस पर वो धारा लागू नहीं होगी, केंद्र सरकार के पद के राज्य सरकार पद रख दिया जाएगा, और उपधारा में तब उपधारा होगी मानो उसमें केंद्रीय सरकार पद के स्थान पर राज्य सरकार पद रख दिया गया हो, ठीक है। तो जब तक वो आ नहीं जाएगा, उसका कार्यभार सौंप नहीं जाएगा, ख़त्म नहीं हो जाएगा, तब तक आप उस पर गिरफ्तारी नहीं कर सकते। केंद्र सरकार कहेगी ठीक है आप राज्य सरकार कोई भी कार्रवाई कर सकती है, तभी कार्रवाई करेगी राज्य सरकार, वरना नहीं कर सकती है। गिरफ्तारी धारा 46, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी भैया, किसी की गिरफ्तारी कैसे होगी। गिरफ्तारी करने में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति के शरीर कर रहा है, गिरफ्तारी किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वस्तुएं छुआएंगे और परिरोध करेगा जब तक उसने वचन या कर्म द्वारा अपने को अभिरक्षा में समर्पित न किया हो। तो गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस अधिकारी ना किसी प्रकार के बल का प्रयोग करेंगे, ना उसको छुएंगे मारे पीटेंगे, जब तक कि वह वचन और कर्म द्वारा अपने विरक्षण के समर्पित ना कर दे, पुलिस को समर्पित ना कर दे, तब तक आप गिरफ्तारी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि जाए सीधे मारपीट उठा के ले लाए, मगर ऐसा ही हो रहा है, ये सब किताबी है, ठीक है। परंतु 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 जहां महिला होती हैं, महिला कहां होती, जहां परंतु महिला गिरफ्तारी किया जाना है उस परिस्थिति में नहीं दर्शाता हो, गिरफ्तारी की मौखिक सूचना विरक्षा के लिए आपको उपधारित किया जाएगा जब तक कि परिस्थिति अन्यथा उपेक्षा नहीं करेगा। पुलिस अधिकारी महिला नहीं हो तो पुलिस अधिकारी महिला व्यक्ति को स्पर्श नहीं करेगा। अगर आप गिरफ्तार करते हैं, अगर पुलिस महिला नहीं है तो गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, ना ही पुरुष महिला को छू सकता है, मगर ऐसा तो होता नहीं है। कोई भी रहे पुलिस गिरफ्तार करने भेज देती, महिला रहे चाहे वो घिसीट के पुलिस वाले लाते हैं, थाने बंद करके बड़ी मार मारते हैं, ये है। मगर नियम ये है कि बिना महिला को सिर्फ महिला गिरफ्तार कर सकती है, पुरुष आरक्षी या कोई भी दरोगा छू नहीं सकता। यदि ऐसा व्यक्ति अपने गिरफ्तार किए जाने के प्रयास के बलात्कार प्रतिरोध करता है, हाथ पैर छुड़ाता है, इधर करता है, या गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है, तो पुलिस ऐसे अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक सब साधनों का उपयोग में ला सकती है। अगर भैया वो आसानी से गिरफ्तार नहीं होगा तो क्या होता है, उसको बल का भी प्रयोग किया जाएगा, समझ सकते हैं, बल का प्रयोग करेगी तो जान सकते हैं, जान भी जा सकती है। उसके बाद इस धारा में कोई ऐसी बात ऐसे व्यक्ति की जिस पर मृत्यु या जीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग नहीं है परंतु मार मृत्यु कैद करने का अधिकार नहीं दे सकती। अगर किसी पे मान लीजिए अपराधी है, उस पर मृत्यु जिंदा या मुर्दा उसको पकड़ने की अनुमति नहीं है, उसको मौत का कारावास दंड नहीं मिला है और वो भागता है फिरता है, तो उसको ऐसा नहीं कर सकती कि पुलिस एनकाउंटर कर दे, ठीक है। तो मगर आजकल तो ठोकर राज चल रहा है यूपी में, तो बच के रहिएगा। उसके बाद केवल असमान परिस्थिति में अतिरिक्त किसी भी महिला को सूर्यास्त के पश्चात या सूर्योदय पूर्व गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। जहां ऐसी असमान परिस्थितियां विद्वान हो, एक महिला पुलिस अधिकारी एक लिखित रिपोर्ट बनाकर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसके क्षेत्राधिकार में अपराध किया गया है गिरफ्तार होना है अनुमानित प्राप्त करेगी। केवल असमान परिस्थिति में, ऐसा कोई परिस्थिति नहीं कि एकदम असमान परिस्थिति है कि एकदम गिरफ्तारी करना है,
तो सूर्यास्त के पश्चात रात को और सूर्योदय के पूर्व, इसका मतलब रात में गिरफ्तारी नहीं हो सकती और अधिकतर पुलिस गिरफ्तार रात को ही करती है सोते समय, ठीक है। तो असमान परिस्थिति में एकदम असमान है, समान है ही नहीं, उसको गिरफ्तार करना पुलिस की आन बान शान है 24 घंटे के अंदर। तो क्या तो उस समय रात के समय महिला को गिरफ्तार कर सकती है, उसके लिए महिला को पुलिस को लिखित रूप से प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट को देना पड़ेगा। अब हमारा है धारा 47। धारा 47 क्या कहता है इसके बारे में पढ़ लीजिए। उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ जिसकी गिरफ्तारी की जानी है, यदि गिरफ्तारी के वारंट के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को या गिरफ्तारी करने के लिए प्रतिकृत किसी पुलिस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाना है किसी स्थान में प्रविष्ट हुआ है या उसके अंदर है, ऐसी स्थिति में निवास करने वाला या उस स्थान पर भार साधक कोई भी व्यक्ति है, पूर्वत रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसे पुलिस अधिकारी को द्वारा मांग की जाने या उससे अबाध प्रवेश करने देगा या अंदर तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधाएं देगा। इसमें धारा 47 में यह है कि अगर कोई पुलिस जानकारी इसी के अंदर छुपा है, ठीक है, यही कमरे के अंदर है, यही इलाके में है, तो क्या करेगा वो तलाशी करने के लिए पुलिस अधिकारी मांग करेगा कि मुझे शक है, यकीन है कि चोर यहीं छुपा है, इसी घर में है या इसी इलाके में है या इस खेत में है, किसी जगह रहेगा तभी वह अनुमति मांगेगा। फिर उसके बाद है यदि ऐसा स्थान में प्रवेश, ठीक है, कि क्या हो गया ये भी देख लिया जाता है कि यदि ऐसे स्थान में प्रवेश उपधारा के अधीन नहीं हो सकता कि तभी भी मामले उस व्यक्ति के लिए जो वारंट के अधीन कार्य कर रहा है और किसी मामले में जिसे वारंट निकाला जा सकता है किंतु गिरफ्तारी किए जाने के वाले व्यक्ति को भाग देने का अवसर दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है, पुलिस अधिकारी के लिए विधिपूर्व होगा कि ऐसे स्थान में प्रवेश कर पाने के लिए किसी गृह या स्थान के चाहे उस व्यक्ति को हो या जिसे गिरफ्तार किया जाना या किसी अन्य व्यक्ति का हो किसी बाहरी या भीतरी द्वारा खिड़की को तोड़कर खोल ले, यदि प्राधिकरण या प्रयोजन की सूचना देने या प्रवेश करने की समय के रूप में मांग लेने के पश्चात अन्यथा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे डॉनफिल आपने देखा होगा कि पुलिस के ऊपर दबाव होता है कि अगर हमने इसको यहाँ छोड़ दिया, ठीक है, तो ये निश्चित ही भाग जाएगा और इसको हम यहाँ से पकड़ नहीं पाएंगे और हम कुछ भी जतन कर ले हमको पकड़ नहीं पाएंगे। तो पुलिस क्या करती उस समय अपने बल का प्रयोग करके खिड़की दरवाज़ा तोड़ के किसी भी तरीके से उसको गिरफ्तार करना उसका मकसद होता है, कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो ये एक होता है कि कौन सी धारा में, धारा 47 में, परंतु इसमें है कि अगर परंतु क्या है, परंतु यदि ऐसे कोई स्थान कमरा जिसे जो कि स्त्री के वास्तविक अभिभोग में है जो रूढ़ी के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती है तो ऐसा व्यक्ति ऐसा पुलिस अधिकारी उस कमरे में प्रवेश करने से पूर्व स्त्री को सूचना देगा कि वह वहाँ से हट जाने के लिए स्वतंत्र है, हट जाने के लिए उसे प्रत्येक व्यक्ति उचित सुविधा देगा, तब कमरे को तोड़कर खोला जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति है अपनी पत्नी या किसी के साथ भोग कर रहा है, ठीक है, और रखेल के साथ, जानते ही अपराधी लोग अधिकतर वहीं पकड़ाते हैं, ठीक है, रेड लाइट एरिया में, तो पुलिस अधिकारी कहती है कि आप हट जाइए, उसके बाद ही हम दरवाजा तोड़ के या कमरे में प्रवेश करेंगे। मगर पुलिस ऐसा नहीं करती, सीधे जाती है कि अरे स्त्री भोग करे तो कहती तुरंत दाबो, अगर हटा तो भागा, ठीक है, उसी कमजोर समय उसको पकड़ती है और उसी समय कई लोग पकड़ा भी जाते हैं। उसके बाद कोई पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए अन्य व्यक्ति किसी गृह या स्थान या कोई बाहरी या भीतरी द्वारा खिड़की अपने को या किसी अन्य व्यक्ति को जो गिरफ्तार करने के प्रयोजन से विधिपूर्वक प्रवेश करने के पश्चात व निरुद्ध है मुक्त करने के लिए तोड़कर खोला जा सकता है। अगर कोई पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए अन्य व्यक्ति गृह स्थान में कोई बाहरी या भीतरी द्वारा खिड़की अपने किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार करने के प्रयोजन से विधिपूर्वक प्रवेश करने के पश्चात व निरुद्ध है मुक्त कराने के लिए, अगर कोई अधिकारी है पुलिस है अगर किसी गिरफ्तार करने के लिए भैया वो घुसा है और खुद फंस गया है तो वो दरवाज़ा खिड़की तोड़ के अपने साथ उस आदमी को भी निकाल सकता है, इस तरह की गिरफ्तारी कर सकते हैं। अब धारा 48 क्या कहता है, अन्य अधिकारियों में अपराधी का पीछा करना, डॉन का पीछा करना, ठीक है, डॉन का पीछा करना, पुलिस अधिकारी को ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करने के लिए वह प्राधिकृत है वारंट के बिना गिरफ्तार करने के प्रयोजन से भारत के किसी स्थान में उस व्यक्ति का पीछा कर सकती है। डॉन को पकड़ना या कोई भाग रहा है उसको पकड़ना, पीछा करना, वो क्या होता है धारा 48 में होगा। उसके बाद धारा 49 में क्या है, अनावश्यक अवरोध न करना, गिरफ्तार किए व्यक्ति को उससे अधिक अवरोध न किया जाए जितना उससे निकल भागने के रोकने के लिए आवश्यक है और व्यक्ति को उतना ना जकड़ा जाए जिससे उसकी मौत ही हो जाए। जैसे अमेरिका में भी कुछ दिन पहले हुआ था कि एक वाइट ने एक ब्लैक पे इतना तेज दबा पैर से कि वो मर गया, तो इतना ना अवरोध किया जाए कि उसकी जान निकल जाए, इतना ही उसको बांधा पकड़ा जाए जिससे वो भाग ना सके, ऐसा ना पकड़ा जकड़ा जाए कि वो मर जाए, इससे बवाल भी हो सकता है। फिर अगला क्या है हमारा, धारा 50 क्या है, धारा 50 क्या कहती है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तला दी जानी चाहिए। किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति को उस अपराध के जिसके लिए गिरफ्तार किया गया है पूर्व विशिष्ट ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधार पर तुरंत सूचित करेगा। पुलिस अगर आपको गिरफ्तार करती है
अगर आपको जमानत मिल गई है, इत्तला दी जानी चाहिए। अगर आपको सब कुछ है तभी उसको, मान लीजिए जमानत उसको मिल गई, पुलिस आके गिरफ्तार कर ले, तो कोर्ट का मायने क्या रख जाएगा। तो पूरी आधार है, पूरा आधार सूचित करके गिरफ्तार करेगा, बिना वारंट के उसको गिरफ्तार नहीं करेगा। अगर जमानत के आधार पर इत्तला दी जानी चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं गया कि तुरंत उसका अपराध बताए बिना उसको गिरफ्तार करके बंद कर दिए, पूछा लग गया कि मेरा क्या अपराध है, ऐसा दिक्कत होता है। उसके बाद क्या है कि जहाँ कोई पुलिस अधिकारी अजमानती अपराध की अभियुक्ति, अजमानती जमानत नहीं हो सकता, अभियुक्ति व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करता है, अभियुक्ति दूसरा है और भिन्न किसी व्यक्ति को, अरे भैया दोस्त का वारंट निकला है रवि का, गिरफ्तार कर गया कवि को, तो बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, करता है, ठीक है, बिना वारंट के ही गिरफ्तार करता है। और वहाँ गिरफ्तार किए व्यक्ति को इत्तला देगा कि जमानत पर छोड़े जाने का हकदार है और उसकी ओर से प्रतिभूतियों का इंतजाम है, और जमानती अपराध कोई किया है और उसको कवि कोई पकड़ लिया, भाई उसी से मार के उगलवा रहा है, कहाँ छुपा है तुम्हारा दोस्त, ठीक है, वो जमानती है, प्रतिभूतियों का इंतजाम करेगा। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा है कि 50 की, गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति का नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को गिरफ्तारी आदि की जानकारी देने के बाद है, कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो उसकी जानकारी देना सबको बाध्य है, इस संहिता के अधीन प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की बाध्यता होगी कि ऐसे गिरफ्तारी और उस स्थान पर गिरफ्तार व्यक्ति को रखा गया है, इस संबंध में तुरंत गिरफ्तारी व्यक्ति के मित्रों, संबंधियों, अन्य व्यक्तियों को जो गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा नामांकित किए गए हैं उनको जानकारी देना, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उसके परिवार वालों को सूचना तुरंत देनी पड़ेगी कि हाँ आपका लाडला या आपका पति या आपका भाई गिरफ्तार हो चुका है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको सूचना ही ना दे और वो गिरफ्तार करके पता ही नहीं चले कि आप किस जेल में हैं। उसके बाद जैसे ही गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस स्टेशन लाया जाता है, पुलिस अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति को धारा 1 के अधीन उसके अधिकारों के बारे में बताता है कि आपके क्या क्या अधिकार है, पुलिस स्टेशन में भी आपके क्या अधिकार है। ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को सूचना देने के तथ्य की प्रविष्टि ऐसी किताब में की जाएगी जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित प्रारूप की पुलिस स्टेशन में रखी जाती है, और इसका पूरा लेखा बोरा क्या होता है पुलिस स्टेशन में रखा जाता है। जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तार व्यक्ति को पेश किया जाता है, उसका यह कर्तव्य होता है कि वह ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में उपधारा 1-3 के अपेक्षाओं के अनुपालन से उसको आपको संतुष्ट करे, भैया उसका आचरण रहना चाहिए, भैया कानून का पालन करेगा तो जज भी खुश होकर उसको कुछ दे देगा रियायत। अब है धारा 51, गिरफ्तारी किया गया व्यक्ति की तलाशी। जब कभी पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे वारंट के अधीन जो जमानत लिए जाने के उपबंध नहीं करता है, जमानती नहीं है, ऐसे वारंट के अधीन जमानत लिए जाने का उपबंध करता है किंतु गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जमानत नहीं दे सकता, कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तथा, ठीक है, व्यक्ति की तलाशी के बारे में है। जब कभी कोई व्यक्ति वारंट के बिना प्राइवेट व्यक्ति द्वारा वारंट के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तो वैध रूप से उसकी जमानत नहीं ली जा सकती है और ये जमानत देने में असमर्थ होता है। अगर भैया आपको कोई गिरफ्तार कर लिया तो आप किसी को जमानत भी छुड़ा नहीं सकते क्योंकि आप खुद अपराधी हैं। तब गिरफ्तार करने वाला अधिकारी या गिरफ्तारी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा की जाती है, तब वह पुलिस अधिकारी जिसे वो व्यक्ति गिरफ्तार किए व्यक्ति को सौंपता है उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है। पहनने के आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर उसके पास पाई गई सब वस्तुओं को सुरक्षित अभिरक्षा में रख दिया जाता है, और जहाँ गिरफ्तार किए व्यक्ति को कोई वस्तु अविघृत की जाती है वहाँ ऐसे व्यक्ति को एक रसीद दी जाती है जिसमें पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जे में की गई वस्तु को दर्शाता है। जब आप जेल में जाते हैं, आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो आपके पास जो भी सामान रहता है उसको एक लाकर या किसी बक्से में बंद करके रख दिया जाता है, ठीक है, जब आप निकलेंगे तो आपको फिर वापस दिया जाता है। जब किसी स्त्री की तलाशी करना आवश्यक है तब ऐसी तलाशी शिष्टा का पूरा ध्यान रखते हुए स्त्री द्वारा ही की जाती है। अगर किसी स्त्री की तलाशी करनी है तो स्त्री की तलाशी करने के लिए महिला पुरुष बहुत ज़रूरी है, वरना उसकी तलाशी नहीं हो सकती है, पुरुष उसकी तलाशी नहीं ले सकता है शिष्टाचार के अनुसार। धारा 52 क्या होता है, आक्रमण आयुधों और अभिग्रहण करने की शक्ति। वो अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस संहिता के अधीन गिरफ्तार करता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कोई आक्रमण आयुध और उसके शरीर पर हो ले सकता है, और इसीलिए सब आयुध और न्यायालय या अधिकारी को परिदित करता है कि जिसके समक्ष वह अधिकारी या गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति गिरफ्तार किए व्यक्ति को पेश करने के लिए संहिता द्वारा अपेक्षित करे आक्रमण आयुधों का अभिग्रहण करना। अगर उसके पास बंदूक बंदूक है भैया उसको सब क्या करता है अभिग्रहण कर लिया जाता है, भैया उसी को मार देगा। धारा 53 क्या है, धारा 53 क्या है, पुलिस अधिकारी की प्रार्थना और चिकित्सा व्यवसाय द्वारा अभियुक्ति की परीक्षा। जब कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है जो उसकी प्रकृति है और जिसका ऐसी परिस्थितियों में किया जाना विकृतित है कि वह विश्वास करने में उचित आधार है कि उसकी शारीरिक परीक्षा ऐसा अपराधी किए जाने के बारे में साक्ष्य प्रदान करता है जो पुलिस अधिकारी को उपनिरीक्षक की पंक्ति के नीचे ना वो प्रार्थना का कार्य करने के रजिस्ट्री की चिकित्सा व्यवसायों के लिए सद्भावनापूर्वक उसकी सहायता करने और उसमें निर्देशधीन कार्य करने किसी व्यक्ति के विधि पूर्व होगा
व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। व्यक्ति की ऐसी परीक्षा करें कि उस तथ्य से साक्ष्य प्रदान कर सके। अभिरक्षित करने के लिए उचित रूप से आवश्यक है और उतना बल प्रयोग करें जितना उस प्रयोजन के लिए उचित रूप से आवश्यक है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? पुलिस अधिकारी, प्रार्थना चिकित्सा व्यवसायी के अभियुक्ति की परीक्षा। अगर कोई व्यक्ति है ऐसा अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है जैसी उसकी प्राकृतिक है, चोर है तो चोरी करने के लिए गिरफ्तार किया जाएगा, तो क्या होगा उसके बारे में? ऐसी परिस्थिति में डाकू है तो डाकू ही करेगा, तो उसको चिकित्सा व्यवसाय सद्भावना पूर्वक सब सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, कि आप रोज रोज आते हैं और उस पर क्या किया जाएगा, उचित रूप से आवश्यक है उतना ही बल प्रयोग किया, जिस प्रयोजन के लिए उचित रूप से आवश्यक है उतना ही उसको मारा जाए, उतना ही बल प्रयोग किया जाए जितना उसके लिए काबिल है। ऐसा ना मारा, चोर है तो उसको गोली मार दो। ठीक है, ठोकुराज। जब कभी इस धारा के अधीन किसी स्त्री की शरीर परीक्षा की जाती है तो ऐसे परीक्षा केवल किसी महिला द्वारा ही रजिस्ट्री चिकित्सा व्यवसाय उसके पर्यवेक्षण की जाती है। ठीक है, इसमें अगर कोई उसका है मान लो चोर डाकू कुछ भी है तो उसका शारीरिक परीक्षा की जाती है। मान लीजिए बीमार है, सीमार है, तो उसका क्या होगा, किस स्थिति में है वो? अरे पुलिस में ले जाए तुरंत मर जाए, दामाद कुछ तो है, हार्ट अटैक की बीमारी नहीं, वो सब चिकित्सा के बाद ही वह जेल में जाता है। उसके बाद स्पष्टीकरण, इस धारा में धारा 53 54 में परीक्षा में रक्त, रक्त के धब्बे, यौन अपराध के मामले में वीय, सुहाल, थूक, पसीना, बालों के नमूने, उंगलियों के नाखून, कतरन की परीक्षा सम्मिलित होती है जो आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक के प्रयोग द्वारा की जाएगी। डीएनए प्रोफाइलिंग और ऐसे परीक्षण करना जैसा पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय अवसर समझे सम्मिलित होगा। अगर आप किसी खून करते हैं तो भैया ये सब नमूने लिए जाते हैं। ठीक है, तभी सिद्ध होगा कि अपराधी है कि नहीं। अगला क्या है कि पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय में यह चिकित्सा व्यवसाय अभिप्रेत है जिसके पास भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 और 102 की धारा 2 खंड ज के परिभाषित कोई चिकित्सक अहिता है जिसका नाम राज्य चिकित्सा पंजीकृत में प्रविष्ट है। ऐसा नहीं कि किसी भी चीज़ से करा ले, इसी सरकारी हॉस्पिटल में होता है। अब 53A में क्या बताया गया है? अगर कोई है, ठीक है, अगर कोई अपराधी है तो वो किस में है भैया, उसके हाथ में खून लगा है, किसका खून है, चाकू किसका खून है, वी है, बाल है, पसीना है, ठीक है, सबका चेक होता है, ठीक है, सबका परीक्षण होता है। तो क्या होता है उसकी, अब 16 किलोमीटर के अंदर ही उसका पूरा परीक्षण होता है उसके आसपास, तो उसमें क्या क्या परीक्षण होता है? ठीक है, पहला है अभियुक्ति, उसके लाए जाने व्यक्ति का नाम, पते का, अभियुक्ति की आयु, अभियुक्ति व्यक्ति की दक्षता और चिन्ह आदि, उसके शरीर पर कोई चिन्ह है उसके बारे में। उसके बाद डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए अभियुक्त शरीर से ली गई सामग्री, बाल, चमड़ा, कुछ भी अन्य सामग्री विशिष्ट सारवान, उचित वितरण, थूक, व्यय, मिल, सब रिपोर्ट में सारगर्भित प्रत्येक निष्करण कारण कथित होगा, सब उसके बारे में बताया जाएगा, क्या है क्या नहीं, पतला मोटा छोटा क्या है। परीक्षण के आरंभ में समाप्ति के ठीक ठाक समय की भी रिपोर्ट अंकित की जाएगी और समय का बहुत ध्यान रखा जाएगा कभी परीक्षण किया गया है। उसके बाद पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय बिना देरी की उस रिपोर्ट को अन्वेषक अधिकारी या जांच अधिकारी को प्रेषित करेगा। वह उस धारा 173 के अधीन मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेगा, भेजेगा और उस धारा उपधारा 5 के खंड क्रम में वरिष्ठ दस्तावेज में भाग के रूप में होगी। अगर कोई है, बीमार है, सीमार है, क्या है, कब जो या क्या है, वो सब करेगा, उसको परीक्षण करने के बाद भेजेगा कि यही असली कातिल है कि नहीं, कि कोई दूसरा है। अब धारा 54 में क्या है कि गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण करेगा। इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति गिरफ्तार है तो उसका भैया केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा द्वारा परीक्षण किया जाता है। अगर आप जाएंगे पुलिस स्टेशन में तो पहले आपका पूरा होगा, डॉक्टरी होगी, तभी आपको, उसके बाद ही आपको जेल में बंद किया जाएगा। परंतु जहाँ गिरफ्तार व्यक्ति महिला हो तो क्या होगा, केवल महिला चिकित्सा ही उसकी क्या कर सकती है, जहाँ महिला वहाँ महिला, वहाँ पुरुष नहीं जा सकते, ये बात समझ लीजिए। कहीं भी गिरफ्तार व्यक्ति का परीक्षण करने वाले चिकित्सा अधिकारी रजिस्ट्री चिकित्सा व्यवसाय के लिए ही अधिकतर सरकारी हॉस्पिटल में होता है। अगर सरकारी हॉस्पिटल नहीं है तो उसे राष्ट्रीय चिकित्सा व्यवसाय में रजिस्टर होना चाहिए और तभी वह परीक्षण कर सकता है। उसे अधिकतर सदर हॉस्पिटल या ब्लॉक हॉस्पिटल जो होता है शहर का, वहीं पर सब जाते हैं जहाँ उपधारा अधीन परीक्षण है। यहाँ तीसरा क्या है कि जहाँ उपधारा 1 के अधीन परीक्षण किया गया है, ऐसा परीक्षण अभिलेख की एक प्रति चिकित्सा अधिकारी या राष्ट्रीयकृत चिकित्सा व्यवसाय जैसे स्थिति में गिरफ्तार किया व्यक्ति को या गिरफ्तार व्यक्ति के नाम पर निर्देशित व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, इतना आप समझ गए भैया, चिकित्सा होगा महिला तो महिला, पुरुष है तो पुरुष। अगर बलात्कार हुआ तो उसका भी होगा, बलात्कार नहीं किया उसका भी होगा, मारपीट हुआ उसका भी पहले चिकित्सा हो जाएगा, तभी FIR दर्ज हुई कितना मारपीट है। तो जब तक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का चिकित्सा नहीं हो जाएगा तब तक आगे कार्रवाई रिपोर्ट में नहीं बढ़ती है, इतना आप समझ लीजिए। ये किस धारा में है, ये धारा है 54 में है।
अब इसमें आ गया 54A भी आ गया, गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान करना, अपराध करने के आरोप में किया गया अपराध अन्वेषक व्यक्ति की उसकी पहचान कराना भी निश्चय होता है कि उसको जो किस न्यायालय में होगा, कहाँ का है, कैसा है, सब कुछ उसका पहचान करना भी जरूरी होता है। परंतु गिरफ्तार व्यक्ति किए गए व्यक्ति की शनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं पगलेट कोई कह दो ये अपराधी कहेगा हाँ हाँ सब अपराधी है सब, ऐसा नहीं, वो मानसिक रूप से सही होना चाहिए जो गिरफ्तार या पहचान कर रहा है। मैंने किसी को गिरफ्तार करके लाया तो पूछेगा ना अरे भैया यही राम है कि शाम है, तो कहेगा हाँ भैया यही राम है और वो शाम है, तो उस आदमी से पूछा जाएगा जो सशक्त रहेगा जो सही रहेगा उसकी पहचान की जाएगी, उसके बाद ही समूची पद्धति अपना के उसको गिरफ्तार करके सावधानीपूर्वक उसको जेल में बंद किया जाएगा। ऐसा नहीं अपराध किया राम ने बंद हो गया शाम, ठीक है। उसके बाद है परंतु यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किए व्यक्ति की शनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से निःशक्त है तो शनाख्त करने की प्रक्रिया वीडियो फिल्म तैयार की जा सकती है। अगर कोई पागल आदमी देख लिया है कह रहे भाई इसी ने खून करके भागा है, अगर वो पागल है विकृत है तो उसकी वीडियोग्राफी करके रख ली जाएगी भैया ऐसा ऐसा बयान इसने दिया, ये मानसिक रूप से पागल है उसमें सही तक नहीं है, तो ये इससे भी होता है कभी कभी। उसके बाद धारा 55 क्या कहती है, धारा 55 कहती है जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया क्या होती है। अगर कोई अधिकारी है बिना वारंट के कहेगा भैया जाओ उसको गिरफ्तार करके लाओ किसी भी कीमत पे, कोई वारंट हम तुमको नहीं देंगे, पहले उसका तुम्हारा काम है जाओ पहले उसको गिरफ्तार करके लाओ, तब क्या होगा, तब तो उसके हाथ पैर फूल जाएंगे, भैया कैसे जाएंगे उसको गिरफ्तार करने, इतना बड़ा आदमी है कैसे जाएंगे उसको गिरफ्तार करने, छोटा मोटा आदमी होता तो बिना वारंट के जानता ही नहीं उसको गिरफ्तार करके ला देते, बड़ा आदमी वारंट मांगेगा पहले दो वारंट तब अंदर घुसना, उसके पास भी आदमी रहते हैं। इस अध्याय 12 के दिन अन्वेषक करता है कोई पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी कोई पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति के बिना वारंट के विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जा सकता है अगर ऊपर वाला देता है तब, जिसके गिरफ्तार किया जाना है उसके लिखित आवेदन अधिकारी की परिपत्र करेगा, जो अपेक्षा है कि गिरफ्तार करे उस अपेक्षित अधिकारी को उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करने का आदेश विधि सूचित करेगा उस व्यक्ति का अपेक्षा करे हुआ आदेश दिखा देगा, ठीक है। अगर नहीं है तो भैया ऊपर अधिकारी कहा है तो भैया आपको जाना ही पड़ेगा। अगर कोई पुलिस अधिकारी धारा 41 के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का शक्ति प्रभाव नहीं डालता है तो, ठीक है, वरना उसको कागज के बिना ही करना पड़ेगा गिरफ्तार ऊपर वाला अगर कह दिया तो। धारा 56 क्या कहती है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने में भार साधक अधिकारियों के समक्ष ले जाना, अगर भैया जिसको गिरफ्तार कर लिया गया उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज के उसको फिर न्यायालय के समक्ष 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना रहता है, 24 घंटे के अंदर भैया 48 घंटे के अंदर उसको प्रस्तुत करना होता है और उसके बाद मजिस्ट्रेट उसको बताएगा। अधिकतर लोग कहते हैं शुक्रवार को गिरफ्तार कर लेते हैं, शनिवार को कोर्ट बंद रहता है, रविवार को तो 72 घंटे 3 दिन रह सकते हैं, तो अधिकतर क्या होता है उसी दिन सब गिरफ्तार करते हैं, जब छुट्टी रहता तब करते हैं। तो बिना वारंट गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी का आवश्यक विलंब किया बिना जमानत के संदर्भ में उपबंधों के अधीन उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, इस मामले में अधिकार गए मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी पुलिस थाने में भारत अधिकारी के समक्ष ले जाया जाएगा, भेजा जाएगा, ठीक है, 24 घंटे के अंदर कि बंद करके रख दिए उसके थाने में मार रहे हैं, 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के अंदर प्रस्तुत करना है। धारा 57 क्या है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निरुद्ध किया जाना चाहिए, भैया 24 घंटे के अंदर उसको कहाँ ले जाना चाहिए, मजिस्ट्रेट की पुलिस गिरफ्तार तो कर लिया है उस 24 घंटे के अंदर उसको निरुद्ध रह सकता है भैया, उसके बाद वो मजिस्ट्रेट की धारा 167 के दिन विशेष आदेश के अभाव में गिरफ्तारी के स्थान पर मजिस्ट्रेट न्यायालय में उसको जाना पड़ेगा और 24 घंटे के अंदर उससे अधिक नहीं हो सकता, 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट में जाना पड़ेगा। 57 है धारा। धारा 58 क्या है, पुलिस की गिरफ्तारी की रिपोर्ट करना, जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है उसकी रिपोर्ट बनाते पुलिस थाने में भार साधक अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को या उसके निर्देश पर उपखंड मजिस्ट्रेट को अपने अपने थाने की सीमा के अंदर वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए सब व्यक्तियों के मामले की रिपोर्ट करेगा, चाहे उन व्यक्तियों की जमानत ले ली गई हो या नहीं, ठीक है। अगर वो जमानत ले ली गई है नहीं ली गई जो गिरफ्तार करता है उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास भेजना पड़ता है, मन की मर्जी नहीं चलती है। 59 क्या है, पकड़े गए व्यक्ति को अनुमोचन, पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का अनुमोचन उसी के बंधपत्र या जमानत पर मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अधीन किया जाएगा अन्यथा नहीं, जैसे अगर गिरफ्तार हो गया है और मजिस्ट्रेट के पास पेश हो गया है तो विशेष आदेश के अधीन ही अनुमोचन किया जाएगा, उस व्यक्ति को छोड़ा जाएगा, एक बंधपत्र होता है उसी के अनुरूप ही उसको छोड़ा जाएगा, ठीक है। अगर आदेश कर देता है भैया इसको छोड़ दो तुरंत छोड़ दो तो छोड़ देगा पुलिस। उसके बाद है निकल भागने का पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति, अगर कोई निकल भागता है यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्वक अभिरक्षा में से निकल भागता है या छुड़वा लिया जाता है तो उस व्यक्ति को अभिरक्षा से निकल भागा या छुड़ाया या तो परंतु पीछा कर सकता है भारत के किसी स्थान में उसे गिरफ्तार कर, अगर कोई भगौड़ा है तो उसको भारत में किसी भी स्थान पर उसको पकड़ के गिरफ्तार कर सकता है, मगर वो लंदन भाग गया है नीरव मोदी उसको नहीं पकड़ सकता है। उपधारा 1 के दिन गिरफ्तारियों की धारा 47 के प्रबंध लागू होंगे, भले ही गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति वारंट के दिन कार्य कर रहा हो या ना कर रहा, गिरफ्तारी का प्राधिकरण करने वाला पुलिस अधिकारी ना हो कोई भी ना हो तभी उसको गिरफ्तार किया जाएगा अगर वो भागा है तो। हमारा अगला क्या है कि
साठ का गिरफ्तार संविधान संहिता अनुसार की जाएगी। इस संहिता प्रावधानों में दशम प्रवृत्ति अन्य कोई विधि के लिए उपबंध या सिवाय गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। अध्याय छः, अध्याय इसके बाद हम लोग छः पढ़ेंगे, उसमें क्या होगा, हाजिर होने के विवश करने के लिए आदेशित है, जैसे समन। अध्याय छः में हम पढ़ेंगे समन भेजा जाता है कि न्यायालय में उपस्थित हो, ठीक है, जमानत मिल गया, जमानत दे दिए। अब न्यायालय कहा कि जमानत दे दिए तो इसका रिपोर्ट या एक महीने के अंदर अपना क्लिफिकेशन दो। हमने कहा कि मेरा उम्र 18 साल है हमारा, तो उसका कहेगा मेडिकल है तो उसका रिपोर्ट दो, हम 18 साल से कम है तो उसका रिपोर्ट दो, कुछ भी दो जिस पे जमानत तुम लिए हो, और रिपोर्ट लगानी पड़ेगी, नहीं लगाओगे तो आपकी जमानत रद्द हो जाएगी, फिर आपको क्या होगा, गिरफ्तार हो जाओगे। जमानत रद्द भी कर सकती है न्यायालय 6 महीने के अंदर अगर आप न्यायालय का कहना नहीं मानते, उपस्थित नहीं होते। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, हम अध्याय 6 पढ़ेंगे समन के बारे में। तो इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।